बी इनोवेटर्स एजुकेशन सिस्टम के प्लेटफॉर्म से लेक्चर डिलीवर किया जा रहा है। लेक्चर नंबर 31, क्लास 7, सब्जेक्ट इंग्लिश, यूनिट नंबर 14। टॉपिक इज ऑल गोस सेम, सब कुछ चलता है एक सा। ये एक पॉइंट है जिसके पॉइंट हैं अली हुसनैन। प्रीवियस लेक्चर में इस लेसन की ट्रांसलेशन हमने कंप्लीट कर ली थी, वर्ड्स मीनिंग भी किए थे। आज इसके वर्ड्स, सिनोनिम और क्वेश्चन आंसर हम करेंगे। इससे पहले क्वेश्चन देख लें। वर्ड गोज सेम राउंड, हर तरफ क्या एक सा चलता है। ऑल ह्यूमन बींग्स डू द सेम बेसिक थिंग्स अराउंड, सच एज स्लीप, ऑल वर्क, ऑल ईट एक्सेट्रा। हर तरफ क्या एक सा चलता है, तो इसका आंसर है तमाम इंसान एक सी बुनियादी बातें करते हैं, जैसे कि सब सोते हैं, सब काम करते हैं, सब खाते हैं वगैरह। इसके बाद वर्ड सिनोनिम देख लें। अपनी बुक का पेज 132 ओपन करें। फर्स्ट वर्ड है फ्लो। फ्लो का मीनिंग है बहना, और फ्लो का सिनोनिम है टू मूव। नेक्स्ट वर्ड है रैपिडली। रैपिडली का मीनिंग है तेज़ी से, और रैपिडली का सिनोनिम है क्विकली, जिसका मीनिंग भी है तेज़ी से। नेक्स्ट वर्ड है वैली। वैली का मीनिंग है वादी, और वैली का सिनोनिम है एन एरिया बिटवीन हिल्स। हिल्स किसको बोलते हैं, चोटियों को, पहाड़ियों को। एन एरिया यानी कि ऐसा इलाका जो पहाड़ियों के दरमियान में मौजूद है, उसको वैली कहते हैं, यानी कि वादी। नेक्स्ट वर्ड है एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का मीनिंग है सिवाय, और एक्सेप्ट का सिनोनिम है नॉट इंक्लूडिंग, यानी कि जो उसमें शामिल ना हो। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है स्ट्रेंज। स्ट्रेंज का मीनिंग है अजीब, और स्ट्रेंज का सिनोनिम है अनयूजुअल। ये थे इसके वर्ड्स सिनोनिम, और इनकी मीनिंग्स भी इन वर्ड्स के हमने देख लिए हैं। इसके बाद एक्सरसाइज पे हम आते हैं। एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन आंसर, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट डांसेस ऑन द पॉइंट। तो डांसेस का हमने मीनिंग पढ़ा था, यानी कि रक्स करना। तो व्हाट डांसेस ऑन द पॉइंट। पॉइंट शायद है, तो वह डांसेस ऑन दी पॉइंट, शाइड पर क्या चीज़ रक्स करती है। तो इसका आंसर है दी रैन डांसेस ऑन दी पॉइंट, शाइड पर बारिश रक्स करती है। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट फ्लोज क्या बहता है इन अस, हम में, अकॉर्डिंग टू दी पॉइंट, शाइड के मुताबिक। What flows in us according to the point, शायद के मुताबिक हमारे अंदर क्या चीज़ बहती है। तो इसका आंसर है according to point, blood flows in us, शायद के मुताबिक हमारे अंदर खून बहता है या खून दौड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, What do we do at night? हम क्या करते हैं at night, रात को, अकॉर्डिंग टू दी पॉइंट, शायर के मुताबिक। तो इसका आंसर है अकॉर्डिंग टू दी पॉइंट, यानी कि शायर के मुताबिक, वी स्लीप, हम सोते हैं एट नाइट, रात को। अकॉर्डिंग टू दी पॉइंट वी स्लीप एट नाइट, शायर के मुताबिक हम रात को सोते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड आउट द मेटाफोर्स इन द पोइम। मेटाफोर्स बोलते हैं इस सारे को, यानी कि इशारा एक ऐसा अज्जा है, एक ऐसा लफ्ज़ है जिसमें दो मुख्तलिफ चीज़ों के दरमियान एक मुश्तरका हूबी या एक मुश्तरका सिफ़त की बिना पर हम बराह रास्त में मुवाजना करते हैं, यानी कि कंपेयर करते हैं एक ही एडजेक्टिव, एक ही हूबी को लेकर। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन था फाइंड आउट दी मेटाफोर्स इन दी पोइम, नज़्म में से इशारे ढूंढने हमने। तो इसका आंसर है डांसिस, रेड कॉटन एंड ओशन एंड वैली। डांसिस का मीनिंग था रक्स करना, रेड वाटर सुर्ख पानी, एंड ओशन समंदर, वैली वादी। तो रेड वाटर हमने किसके लिए यूज किया था, खून के लिए। डांसिस रक्स करती है, और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट क्रिएट्स,
क्या पैदा करती है? स्ट्रेंज साउंड, स्ट्रेंज अजीब साउंड आवाज़। व्हाट क्रिएट्स स्ट्रेंज साउंड, अजीब आवाज़ें क्या पैदा करती हैं? तो इसका आंसर है पीपल क्रिएट अ साउंड ऑफ, पीपल क्रिएट, लोग पैदा करते हैं अ साउंड आवाज़ ऑफ स्नोरिंग। स्नोरिंग का मीनिंग है हराटे। तो पीपल क्रिएट्स अ साउंड ऑफ स्नोरिंग, लोग हराटों की आवाज़ें पैदा करते हैं ड्यूरिंग स्लीप, सोने के दौरान। विच इज कॉल्ड, जो कहलाती है स्ट्रेंज साउंड है, यहाँ पर अजीब आवाज़। पीपल क्रिएट अ साउंड ऑफ स्नोरिंग ड्यूरिंग स्लीप विच इज कॉल्ड स्ट्रेंज साउंड हियर, नींद के दौरान लोग खराटों की आवाज़ पैदा करते हैं जिसे यहाँ अजीब आवाज़ कहा गया है। यहाँ तक हमारे क्वेश्चन इसके कंप्लीट होते हैं। उम्मीद है आपको समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट, अल्लाह हाफिज़।